को बनाना से आप उसमें किस तरह से आप उसमें फार्मूला पुट करेंगे, किस तरह से आप लोग उसमें जो है ना सब कुछ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? तो वो मैं आपको सिखाती हूँ। हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को करेंगे शुरू, ठीक है स्टूडेंट्स? तो कार्ड बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ है, 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 ठीक है? तो यहाँ पे मैं ही आपके लिए लिखूंगी आपके जो भी यूनि का नेम होगा, ठीक है? जैसे यूनिवर्सिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है उसका हम लोग रिजल्ट कार्ड बना रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ठीक है स्टूडेंट्स? ये लिखती हूँ ये, ओके ठीक है स्टूडेंट्स? आगे मैं जल्दी से फार्मूला इनपुट करती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। अच्छा यहाँ पे हमारे मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी, मैं आज सिर्फ आपको यही बनाना सिखाऊंगी। अच्छा स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसकी असाइनमेंट एक करनी है, मेरे पास सेंड करनी है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ गई ही ना फिर नहीं कि किस तरह से फार्मूलाज जो है वो पुट करते हैं। मैथ्स इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश एंड यहाँ पे हम साइंस ले लेंगे, ठीक? अच्छा इसमें यहाँ पे हमारे टोटल मार्क्स होंगे, और यहाँ पे हमारी परसेंटेज, जल्दी से अब स्टूडेंट्स के नेम पुट कर देती हूँ, तब तक आप लोग देखें जस्ट कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। ज़ैनिश, कासिम, सॉरी कैप्स, साइरा, साहिरा, ठीक है स्टूडेंट? ये हमारे पास स्टूडेंट्स के जो है वो नेम आ गए, ठीक है? फाइव स्टूडेंट्स सिर्फ मैंने जस्ट यहाँ पे लिए। अब हम यहाँ पे क्या होगा, अच्छा यहाँ पे उनके फुल नेम अगर आप करेंगे ना सेंश, तो वो आपका जो स्टूडेंट नेम है ना, क्योंकि मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कर रही हूँ इसलिए मैंने उनके ना फुल नेम नहीं लिखे। कोशिश कर रही हूँ कि आपको जस्ट मैं समझ आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास नेम आ गए, ठीक है सब स्टूडेंट्स के। अच्छा मैथ में कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, साइंस में कितने मार्क्स हैं, टेज निकाल के मैं आपको बताऊंगी। और मैं आपको बताऊंगी कि जब आप एक्सेल में कोई भी डेटा डालते हो तो आप किस तरह से उसमें चेंजिंग करते हो, तो जो उसका आउटपुट है, आप अगर इनपुट में कोई चेंजिंग करते हो एक्सेल आउटपुट जो है खुद ब खुद ही चेंज करता जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स? आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। हमारे मैथ में मार्क्स थे 93, 89, 34 मार्क्स, फिर उसके अलावा और ये 71, ठीक है? ये सारे मार्क्स अब इंग्लिश के मार्क्स जल्दी से पुट करते हैं। साइंस के मार्क्स पुट करते हैं, स्टूडेंट्स अब हमने टोटल करने हैं इनके मार्क्स। तो अब हम टोटल किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक आता है कि इनके मार्क्स टोटल किस तरह से आपने करने हैं। स्टूडेंट्स आपको पिछले मैंने लेक्चर जब करवाया उसमें मैंने आपको प्लस माइनस करना सिखाया है, ठीक है? तो यहाँ पर भी वही हम लोग करेंगे। आपने सेल का नेम देख लेना है,
इस सेल का नाम क्या है स्टूडेंट? आप यहाँ पे कर्सर लेके गए हैं तो आपका सेल का नाम आ रहा है C3। आप यहाँ पे इसको लगाएंगे C3। ये देखिए, ये आगे हमारे पास इस सेल का क्या नाम है, D3। क्या नाम नाम यहाँ पे देखिए शो हो रहा है, ठीक है, D3 नेम है C3, सॉरी इज इक्वल टू लगा के C3 प्लस D3। अच्छा अब ये हमारे पास क्या है, इस सेल का क्या नाम है, E3 प्लस ई और थ्री। अच्छा ये हमारे पास है। अब ये देखिए तीनों के नेम हमने फार्मूला पुट कर दिया इसका। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये इसकी 216 इसका बन रहा है, ठीक है। अब आपने स्टूडेंट बाकियों के किस तरह से नंबर लगाने हैं वो मैं आपको जस्ट एक शॉर्ट सी ट्रिक बताती हूँ। आपने इसको हाईलाइट कर लेना है और इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। हाईलाइट करके आप क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। आपको कॉपी करने का जो शॉर्ट की है वो आपको पता होगा, Ctrl+C, ठीक है। कॉपी कर लिया इसको, अब आपने आगे से Ctrl+V प्रेस कर देना है। स्टूडेंट ये सारी चीजें जो होती है ये आपकी कॉपी हो गई, ठीक है। तब इस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट आप इसको इस तरह से भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे अब आपने परसेंटेज लगा देनी है, इसको मैं जरा डाल कर लेती हूँ, कट कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा स्टूडेंट एक्सेल में इस तरह से होता नहीं है। अच्छा स्टूडेंट मैंने आपको फार्मूला पुट करना बता दिया, अब मैं आपको बताती हूँ कि परसेंटेज किस तरह से पुट करनी है। मैं जस्ट इसको कर लूँ, कॉपी करना आपको सिखाया, कॉपी करना मैंने आपको पहले भी वीडियो में सिखाया था, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट अब मैं आपको बता दूँ कि आपने किस तरह से इसमें अपनी टोटल कर लिया आपने फार्मूला लगा के, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको मैं बताऊँ कि आपने इसमें किस तरह से परसेंटेज पुट करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, उसका फार्मूला लिख के बताऊँगी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि इंग्लिश है, अब हम इंग्लिश के मार्क्स चेंज कर रहे हैं, इसमें हम 76 कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये आपके खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। जैसे मैं आपको यहाँ पे 78 कर देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपके मार्क्स खुद ब खुद चेंज हो गए। अब परसेंटेज का क्या फार्मूला होता है, मैं परसेंटेज का फार्मूला बता देती हूँ स्टूडेंट्स कि हमने परसेंटेज का फार्मूला, अगर आप नोट करना चाहें नोट कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेनिंग मार्क्स, टेंट मार्क्स उसके अलावा टोटल मार्क्स, ठीक है। और मल्टीप्लाई हम किसके साथ करते हैं स्टूडेंट्स, 100 के साथ, ठीक है। ये तो आप सबको पता ही होना चाहिए। अच्छा अब हम इसके परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे देख लें स्टूडेंट, आप हमारे पास क्या है परसेंटेज लिखेंगे यहाँ पे और फिर उसके बाद इज इक्वल टू लिखेंगे। परसेंटेज तो हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है ना, इज इक्वल टू लिख लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके अलावा हमारे पास ऑब्टेंड मार्क्स अब क्या है, ये देखिए ये हमारे पास ऑब्टेंड मार्क्स हैं, जितने हमने मार्क्स हासिल किए हैं 210। कितने मार्क्स हो गए स्टूडेंट, ये 210 मार्क्स हैं। अब इस सेल का जो
हमारे पास है वो है एफ थ्री, यहाँ पे एफ थ्री लगा दें, सॉरी सी थ्री लगा दें, एफ थ्री, ये देखिए ठीक है। आगे हमारे पास जो है वो हमने डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, टोटल मार्क्स 300 रख देते हैं ठीक है स्टूडेंट्स। और हमारे पास मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करना है, 100 के साथ। अच्छा स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया, अब हम इसमें एंटर प्रेस करेंगे, 70% बन रहेंगे ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से, अब अगर हम इसमें कुछ भी चेंजिंग करते हैं, जैसे 78 करते हैं या फिर हम लोग 79 कर देते हैं ठीक है, आपके देखिए यहाँ पे खुद ब खुद ही चेंजिंग होती जाएंगी। ये आपका, आपने अब क्या करना है, जो मैंने ये ब्लॉक्स छोड़े हुए हैं ये आपने फिल करने हैं, यही कि आपने किस तरह से करना है, आपने की प्रैक्टिस करनी है तभी आपको आएगा ठीक है। ये एक मुकम्मल रिजल्ट कार्ड हो गया है। अच्छा मैं जल्दी से इसको भी फिल करती हूँ आपके सामने ताकि आपको समझ आ जाए, मैं इसको अधूरा ही छोड़ूंगी बट आप लोग भी खुद भी इस चीज़ को करें। हजार स्टूडेंट हमारे पास ये क्या है, सी फोर है इज इक्वल टू सी फोर प्लस डी फोर, डी फोर प्लस ई फोर, ई फोर ठीक है। एंटर प्रेस किया उसका आगे ठीक है, अब सारे जैसे का हमने रिजल्ट कर करना है, उसके हमारे पास सी फाइव, सी फाइव प्लस डी फाइव, डी फाइव प्लस हमारे पास है ई फाइव, ई फाइव ठीक है। एंटर प्रेस किया उसका आ गया ठीक है। अगर मैं टाही रखे, अच्छा मैं आपको ना शॉर्टकट की भी बताऊंगी कि इस तरह की शॉर्टकट की में आप किस तरह से रिजल्ट बना सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक आप सिर्फ आपको इस तरह से भी बनाना आना चाहिए। इक्वल टू हमारे पास क्या है, अब सी सिक्स, सी सिक्स प्लस डी सिक्स प्लस ई सिक्स ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास है सी सेवन प्लस, हमेशा ही पहले लगाना हमेशा ही बोल चाहती हूँ, सी सेवन प्लस डी सेवन प्लस हमारे पास है ई सेवन ठीक है स्टूडेंट। इसको आप करें, और आपने जब परसेंटेज निकालनी है वो भी मैंने आपको बता दिया, आपने एक बार फार्मूला लगाना है और किस तरह से, मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। ये हमारे पास है एफ फोर है इज इक्वल टू एफ फोर, और हमारे पास क्या है अब इसमें, हमारे पास मार्क्स कितने हैं, 300 हैं, और मल्टीप्लाई किसके साथ हमने करना है, 100 के साथ करना है ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास आ गई परसेंटेज आ गई ठीक है। अब ऐसे ही हम इसको करेंगे, ये हमारे पास एफ फाइव है इज इक्वल टू एफ फाइव, हाँ 300 मल्टीप्लाई बाय 100 ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास 69.3 है, 33 है ठीक है स्टूडेंट। और आगे हम लोग इसको कर लेंगे, ये हमारे पास एफ सिक्स है इज इक्वल टू एफ सिक्स 300, और हमारे पास इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ओके। ये हमारे पास है, आगे लास्ट हमारे पास बचा है, इसको भी कर लेते हैं हम लोग एफ सेवन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप कोई भी जो है ना, किसी का भी रिजल्ट कार्ड या फिर कोई भी अपनी वर्कशीट बना के उसमें फार्मूला पुट कर सकते हैं नंबरिंग वाला ठीक है। इंशाल्लाह हम इसमें बहुत कुछ सीखेंगे नेक्स्ट फर्दर, तो आप लोग इस कोर्स के साथ रहें ताकि आप लोगों की स्किल्स जो हैं वो डेवेलप हो सकें ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप काइंडली इनबॉक्स में या फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें।